अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी भी काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल करने के लिए उसकी तरतीब को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम हर काम तरतीब से करेंगे, एक सीक्वेंस से करेंगे, तो वो हम अच्छे तरीके से मुकम्मल करेंगे। हम आज आपको पोलियो कैंपेन मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स बताएंगे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप पोलियो कैंपेन को देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और उसके बाद जब मस्बत नतायज आते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी तरतीब को फॉलो करने के कितने फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें पोलियो कैंपेन में मॉनिटरिंग के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे देखे जाते हैं और हमें देखने भी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म आपके सामने है, ये इसे हम कहते हैं कंट्रोल फॉर्म, और टेक्निकली अगर हम इसे कहें तो इसे हम कहते हैं फॉर्म 2A। ये जो फॉर्म 2A है, ये बेसिकली एरिया इंचार्जेस के पास होता है। हर एरिया इंचार्ज के पास 5 से 6 टीमें होती हैं, 7 टीमें भी हो सकती हैं। वो पोलियो टीमें होती हैं जो कि कैंपेन में काम करती हैं। तो इसमें डिटेल होती है, फॉर एग्जांपल टीम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितनी भी टीम्स हैं इनके टारगेट्स कितने हैं, टोटल अंडर 5 इयर्स बच्चों के, उनको उन टारगेट्स के अगेंस्ट कितनी वैक्सीन चाहिए, और जब पोलियो कैंपेन में डे के आखिर में, दिन के आखिर में पोलियो टीम वापस आती है, तो फिर आकर इसी फॉर्म में डाटा जो है ना वो पुट करवाती है कि आज हमने टारगेट के अकॉर्डिंग इतने घर किए, इतने बच्चों को कवर किया, इतनी वैक्सीन इस्तेमाल की, इतनी हम वापस कर रहे हैं। तो ये फॉर्म्स जो हैं ये चेक करना और इनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इन फॉर्म्स में जो डाटा है वो पोलियो टीम्स की टैली शीट से पुट किया जाता है, और पोलियो टीम की टैली शीट बहुत इजी है, मैंने स्टार्ट में दिखाई थी। उसमें टोटल अंडर 5 इयर्स बच्चों की डिटेल होती है, साल से छोटे बच्चे कितने हैं और साल से 5 साल तक के बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे घर में मौजूद हैं, उन्होंने कतरे पिए, कितने बच्चे कतरे पीने से रह गए, तो वो तमाम डिटेल जो है वो उसमें शामिल होती है टैली शीट में। इसके साथ साथ वो बच्चे जिनको गली मोहल्लों में कतरे पिलाए गए, वो बच्चे जिनको स्कूलों में मदरसों में कतरे पिलाए गए, वो बच्चे जो कि हाई रिस्क एंड मोबाइल पॉपुलेशन के बच्चे हैं, जो झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे, जो कभी आज और कभी कल कहीं और मूवमेंट में रहने वाले बच्चे, उन तमाम बच्चों को भी कतरे पिलाने का तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। और वही सारा रिकॉर्ड फिर फॉर्म 2A में, जो एरिया इंचार्ज का फॉर्म होता है, उसमें पुट किया जाता है। फिर वही सारा डाटा समराइज होके फॉर्म 2B में शामिल किया जाता है। फिर सेम टू सेम यही डाटा यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर के फॉर्म 2B में, जैसे मैंने कहा है कि समराइज होके पुट कर दिया जाता है। तो इसमें फिर क्या है कि एक यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर के पास 3 से 4, 5 एरिया इंचार्जेस होते हैं। उन एरिया इंचार्जेस और उनकी टीमों की सारी डिटेल जो है वो फिर इस फॉर्म 2B में पुट कर दी जाती है। तो ये एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट वे होता है जो कि नीचे से ऊपर तक ट्रांसफ़र होता है और हर चीज़ इसमें क्लियर होती है। कंट्रोल फॉर्म जब मॉर्निंग मीटिंग होती है, जब टीमों ने फील्ड में जाना होता है, तभी भी मॉनिटर किए जाते हैं, और उसके बाद जब शाम को टीम्स काम करके आती हैं वापस, तब भी उनको मैनेज किया जाता है और उनको उन कंट्रोल फॉर्म्स को मॉनिटर किया जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ सुबह टीम के निकलने और शाम से वापसी तक के बीच में जो काम होता है मॉनिटर का, वो ये होता है कि आपने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे जाके टीम्स को चेक करना है। तो वो प्रायोरिटी बेस होता है। सबसे पहले तो आप जिस भी यूनियन काउंसिल में गए हैं उसके BHU पे बैठी हुई जो फिक्स टीम है, जो एक जगह पे फिक्स होकर बैठी है, उसका सारा डाटा चेक करेंगे, उसकी वैक्सीन देखेंगे, उसको अच्छे तरीके से पहले मॉनिटर करेंगे।
फिक्स टीम को मॉनिटर करके फिर हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम जाएंगे उस मखसूस आबादी की तरफ जिसे हम कहते हैं हाई रिस्क एंड मोबाइल पॉपुलेशन, वो बच्चे जो कि झोंपड़ियों में रहते हैं और जो पॉपुलेशन जो है मूवमेंट में रहती है। उसके बाद हम लोग रिवराइन एरिया में जाएंगे क्योंकि हमने हार्ड टू रीच एरियाज़ को सिलेक्ट करना है, हमने स्कैटर्ड पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है और उसके साथ साथ हमने रिवराइन एरिया को सिलेक्ट करना है। ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर बच्चों को इजीली अप्रोच नहीं किया जा सकता और वहीं पे ही हमने जाकर ये चेक करना होता है कि आया टीम ने इन बच्चों को चेक किया, कोई गफलत तो नहीं की, कोई बच्चा कतरों से महरूम तो नहीं रह गया। तो बेसिकली मॉनिटरिंग का बुनियादी मकसद ही यही है कि आप उन एरियाज़ को अप्रोच करें जहाँ टीम के अप्रोच करने में कोई मसला हो और जहाँ ये डाउट पैदा हो के हो सकता है कि टीम ने एरिया की बुनियाद पर, मुश्किलात की बुनियाद पर उन बच्चों को टच ना किया हो और वो बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम रह गए। मेरी तकरीबन हर वीडियो में तस्वीरें होती हैं, दरियाई एरिया का ज़िक्र होता है, दरियाई लोगों का ज़िक्र होता है, दरियाई बच्चों का ज़िक्र होता है और इनके बग़ैर कोई भी मेरी एक्टिविटी मुकम्मल नहीं होती और मेरी हर एक्टिविटी पुरानी एक्टिविटी जैसी नहीं होती, न्यू होती है। इस दफ़ा मैंने चाचड़ा के अक्रॉस द रिवर जो बच्चे हैं, जो एरिया है उसको सेलेक्ट किया है दरिया के अंदर रहने वाले कच्चे के एरिए में उन झोंपड़ियों को सेलेक्ट किया है जो कि दरिया के बिल्कुल दरमियान में आबाद है। अब ये कश्ती जो है ये किनारे लग रही है, अब इस एरिया को अब हम जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि बच्चे वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, कोई घर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो वैक्सीनेशन से महरूम रह जाए। ऐसे एरियाज़ को मॉनिटर जब सेलेक्ट करेगा तो इस चीज़ की गारंटी है, मैं अब आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि फिर कोई भी हमारी यूनियन काउंसिल फेल नहीं हो सकती क्योंकि जो एरिया इजीली अप्रोचेबल हैं उन तक तो टीम्स का फोकस बहुत होता है, लेकिन जो इजीली अप्रोचेबल नहीं होते वहाँ पर मॉनिटर को पहुँचना चाहिए और वहाँ पर भी जाकर काम को ज़रूर चेक करना चाहिए। बेशक हमारे साथी हमारी टीम्स बहुत मेहनती हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है हमें अपने फ़र्ज़ को प्रॉपरली जो है ना अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देना चाहिए और हमें कोई भी ऐसी जगह, जंगल, वीरान, बियाबान या डेरे, दरियाई इलाके, कोई भी ऐसा एक इंच हमारी दस्तरस से बाहर ना हो, हमारे फोकस से बाहर ना हो ताकि हम इस चीज़ को यकीनी बना सकें कि हमारा कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। आप देख लें ये तस्वीरें, ये वीडियोस आपको आपकी रहनुमाई के लिए मेरे ख़्याल में काफ़ी हैं कि किस तरह हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और अब हम दरिया के पार की मॉनिटरिंग करके वापसी एक ऐसी कश्ती पर सवार हुए हैं जिसमें सब्जियों के बोरे लदे हुए हैं और अल तवक्कल पे ही दुनिया कायम है, कश्ती डूब भी सकती है लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी एफर्ट्स पसंद आई होंगी। तो इसी तरह हमारे साथ टच रहें, चैनल को लाइक करते रहें। शुक्रिया। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।